अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। यूपी में यूं तो ठोको की नीति पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन असल बदमाश वे उनकी बदमाशी में कोई कमी नहीं आई है। गाजियाबाद में बदमाशों की दुस्साहस की प्रकाष्ठा है कि विजयनगर इलाके में पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी गई। गोली मारने से पहले उनके 6-7 हमलावरों ने पिटाई भी की। जिस वक्त यह वारदात हुई, विक्रम जोशी अपनी 2 बेटियों के साथ बाइक से जा रहे थे। यूपी सरकार व पुलिस को खुली चुनौती देने वाली यह घटना CCTV में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस ने 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इससे पहले कवरेज करने गए BBC के पत्रकार को संभल पुलिस ने 8 घंटे तक हवालात में डाले रखा था। कुल मिलाकर यूपी में पत्रकारों पर हमले जारी हैं। दरअसल कुछ दिन पहले विक्रम जोशी ने थाना विजयनगर में तहरीर दी थी कि कुछ लड़के उनकी भांजी से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसका उन्होंने विरोध किया था। पुलिस ने तहरीर पर रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली यूपी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका नतीजा यह निकला कि रिपोर्ट दर्ज कराने से क्रोधित बदमाशों ने बीती रात विक्रम जोशी को उस वक्त पहले पीटा जब वह अपनी दोनों बेटियों के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। विक्रम को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जीवन और मौत के बीच संघर्षरत हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।